गुड इवनिंग फ्रेंड्स, डॉलर रुपी पोस्ट मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 24 मई 2023। आज ड्यूरिंग द डे डॉलर रुपी ट्रेडेड इन बिटवीन 82.8350 ऑन द हायर साइड एंड लो ऑफ 6450 एंड फाइनली क्लोज्ड एट 82.67 ड्यूरिंग आवर मार्केट आवर, जो आपका 9 AM से 3:30 PM तक था। उसके बाद ग्लोबल मार्केट में अभी ये 82.60 के आसपास ट्रेड हो रहा है। पिछले 2 दिनों में जो धोखा गया था वो नैरो रेंज कैंडल था एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स और कॉशियस कि यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ जाऊं या नीचे की तरफ आऊं। आज लेकिन मॉर्निंग से ही एक अच्छा खासा हलचल देखा गया, सेल ऑफ अच्छा खासा देखा। पहले आते हैं हमारा आवरली लाइन चार्ट। हमारा जो आवरली लाइन चार्ट है वो लाइन चार्ट में आप देखोगे कि एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्म हो चुका है, लोअर हाई जिसका हमें काफी टाइम से इंतजार था। दैट बीइंग द केस अभी हमें अपटिक में सेल करने का प्रयास करना चाहिए टिल द ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, यानी कि हमें सेल ऑप्टिक्स करेंगे। जैसे ही स्विंग हाई को तोड़ेगा आवर स्टॉप लॉस विल बी आउट, मींस वी विल एग्जिट द पोजीशंस एंड रन करने का प्रयास करेंगे जब तक ये ट्रेंड को बैंड नहीं करता है। अगर हम आज का ओपनिंग देखेंगे, ओपनिंग एट 82.88 एंड वहीं से सेल। टिपिकल थिंग अबाउट आज का जो मूवमेंट है वो है आपका आज का ओपन एंड हाई इज सेम एज कल का ओपन एंड हाई 82.88। उसके बाद कल लेकिन आपका 77 के नीचे क्लोज सस्टेन कर नहीं पाया एंड क्लोज हायर एट 82.8। आज लेकिन जो कल का लो था 77 का ऑन करेंसी फ्यूचर में एक्सपायरी का, उसके लो के नीचे चला गया, ट्रेडेड लो ऑफ 70 देन ट्राई टू पुल बैक। पुल बैक होने के बाद ये 77 लेवल पे दोबारा रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ चुका है। नीचे आके फिर लोअर लो फॉर्मेशन किया। दैट बीइंग द केस यहाँ पे और एक चीज जो था कि RSI क्या ये रेंज शिफ्ट बनाएगा या नहीं। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि RSI क्लियर कट हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस टाइप का बनाया नहीं है, बट आपका डायरेक्ट फॉल आ चुका है। सो आने वाले दिनों में अगर दोबारा ये 60 के आसपास वापस जाके सेल ऑफ होता है, दैट इज गोइंग टू बी एन एक्सीलेंट सेलिंग ऑपर्चुनिटी। यहाँ पे अभी क्या करना है, यहाँ पे हमें सेल ऑप्टिक्स करना है टिल हमारा जो स्विंग हाई है 82.88 ऑन करेंसी फ्यूचर्स वो इंटेक्ट सेफ है। एंड यहाँ पे कब तक करेंगे, जब तक ये नॉन स्टॉप लोअर है लोअर लो फॉर्मेशंस करेंगे। यहाँ पे और भी चीज हमें थोड़ा सा देखना है क्योंकि US डेट रिलेटेड जो डिस्कशंस और द नेगोशिएशन इज गोइंग ऑन बिटवीन रिपब्लिकन एंड द डेमोक्रेट्स, उसका आउटकम के लिए हमें इंतजार करना है। हालांकि मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि ये थोड़ा सा खींचातानी चलेगा बिटवीन द टू पार्टीज एंड फाइनली दे विल कम टू ए कॉमन प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो डेट सीलिंग का रिलीज हो जाएगा। इट इज माई पर्सनल व्यू एंड कंसिडरिंग दैट वन डॉलर रूपी थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्ट होना चाहिए अनटिल एंड अनलेस सम नेगेटिव न्यूज़ आर फ्लोइंग इन द मार्केट। सो करेंसी डॉलर रुपी पोस्ट मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।